हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों की जो कमेंट्स आ रही है दोस्तों, उससे रिलेटेड आज मैं बात करने वाला हूं। गाइस, आज के टाइम पे अगर आप लोग चाहे बाइक लेने जाएं, चाहे आप लोग गाड़ी लेने जाएं, आप लोगों को एक चीज बहुत ही ज्यादा देखने और सुनने को मिल रही होगी, जो कि है दोस्तों E20। आज के टाइम पे चाहे आप रॉयल एनफील्ड ले लीजिए, चाहे आप बजाज की कोई बाइक ले लीजिए, चाहे आप TVS की कोई बाइक ले लीजिए, चाहे आप यामाहा का ले लीजिए कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आप फोर व्हीलर्स में भी देख सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप लोग कोई भी एक टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेने जाएंगे तो आप लोगों को दोस्तों एक E20 जो है वो देखने को मिलेगा, जो काफी लोगों को नहीं पता है कि क्या है एंड काफी लोगों को पता भी है वो क्या है। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा, सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है E20 एंड क्या वो आपकी बाइक को नुकसान पहुंचाएगा। एंड मेरे चैनल पर ये भी आप लोगों की कमेंट्स आ रही हैं कि भाई जो E20 है उससे हमारी बाइक की माइलेज में क्या ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्या हमारे बाइक का जो इंजन है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। तो आप लोगों की इससे रिलेटेड दोस्तों कमेंट्स आ रही हैं, तो बिना किसी तरीके चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट एंड एक एक चीज का आप लोगों का जवाब दूंगा दोस्तों। जितने भी आप लोगों के मन में डाउट है सबके सब मैं क्लियर कर दूंगा एंड टेक्निकल लैंग्वेज में तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी दोस्तों, लेकिन सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या होता है E20। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट फटाफट से। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि दोस्तों इस वाली वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल पे आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आप लोग आए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी गाइस प्लीज कर दीजिए। नीचे ही रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको जाके जल्दी से क्लिक कर दीजिए। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि E20 होता क्या है। देखिए दोस्तों, E20 एक तरीके का अल्कोहल है जो आप लोगों को दोस्तों डैमेज क्रॉप से, जो भी सड़ा गला पेड़ पौधा होता है, शुगर केन से, जिस तरीके से दोस्तों शराब बनाई जाती है, जिस तरीके से अल्कोहल बनाई जाती है, उस तरीके से ही E20 बनाया जाता है। दोस्तों E20 को यानी कि एथेनॉल 20 को इसको दोस्तों डाला जाता है पेट्रोल के साथ एंड दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारी गाड़ी होती है, जो व्हीकल होती है वो चल पाती है। जिस वजह से क्या होता है, जो क्रूड पेट्रोल होता है जो इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों बाहर से इंडिया में, उसकी जो कॉस्टिंग है दोस्तों वो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत कम पड़ती है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि इंडिया में कोई भी पेट्रोल नहीं आता है, ना कहीं से निकलता है, ना ही कहीं से बनाया जाता है एंड इसकी जो कॉस्टिंग है दोस्तों वो बहुत ज्यादा पड़ रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। तो उससे मेरा क्या फायदा? गाइस, जब BS6 स्टेज इंडिया में लॉन्च हुआ था आज से 2 से 3 साल पहले, जब ये आया था दोस्तों, तब जो एथेनॉल 20 है अभी, यानी कि हम करंट स्टेज की बात करें तो 5 से 10% जो एथेनॉल 20 है वो सिर्फ पेट्रोल में मिक्स होके आ रहा था दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि E20 पहली बार ही हमें देखने को मिला है, 2-3 साल से हम लोग E5 E10 जो है वो यूज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको स्पेशली जो है वो अलग से नहीं दिखाया था। जैसे कि अब जो है हर जगह लिखा हुआ आ रहा है E20, अब जो है दोस्तों वो उसकी जो मात्रा है वो गवर्नमेंट ने 10% और बढ़ा दी है। 10 से 15% और बढ़ाने के बाद जो उसकी क्वांटिटी है, यानी कि अब जो E20 है वो इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि जो उसकी मात्रा है वो 20% बढ़ा दी है। अब आप लोगों को पेट्रोल में, यानी कि 80% आप लोगों को पेट्रोल देखने को मिलेगा जब आप अपनी बाइक में किसी भी पेट्रोल पंप से आप लोग इंडिया में अगर आप लोग पेट्रोल डलवाएंगे तो आप लोगों को उसमें 80% पेट्रोल मिलेगा और 20% उसमें जो E20 होगा, यानी कि जो एथेनॉल होगा वो उसमें मिक्स आप लोगों को दोस्तों मिल जाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो यानी कि पेट्रोल जो है आपका वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट साफ-साफ लीगल भाषा में हमें एक ऑथराइज तरीके से कहकर साफ-साफ ये बता रहा है कि जो पेट्रोल में हमें 20% जो मिलावट है वो देखने को मिलेगी, यानी कि आप जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो प्योर पेट्रोल नहीं है, उसमें 80% आप लोगों को सिर्फ पेट्रोल मिलेगा, 20% एथेनॉल मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से ऑथराइज लीगल तरीके से गवर्नमेंट हमें लिख के, स्पेशली E20 हर जगह लिख के ये बता के तब आप लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, ताकि कल को ये ना कह सके कि जो इसमें पेट्रोल में मिलावट है। ठीक है, गवर्नमेंट साफ लीगल तरीके से क्या क्या दे रही है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बहुत कम इसकी एडवांटेजेस देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एडवांटेजेस तो होती है दोस्तों वो हमारे लिए नहीं है, एडवांटेजेस तो उसकी असलियत में है वो है दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की। ठीक है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इंडियन गवर्नमेंट को इससे फायदा हो रहा है, हमें जो कस्टमर्स को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है इस चीज में। ठीक है, अब वो मैं आप लोगों को बताता हूं क्यों। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो हमें जो एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे E20 में वो देखने को मिलेंगे लेस पोल्यूशन। गाइस, अभी जो हमारे को जो BS6 बाइक्स थी ये पहले के मुकाबले BS4 के कंपैरिजन में तो अब खैर काफी कम पोल्यूशन करने लग गई थी, लेकिन E20 आने के बाद हमारी गाड़ियां और कम दोस्तों पोल्यूशन जो है वो करा करेंगी। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो उसका फायदा है वो है उसका पोल्यूशन को लेकर। सेकेंड चीज का दोस्तों हमें जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा लेस साउंड आपके व्हीकल में दोस्तों, चाहे आपके पास कोई सा भी व्हीकल हो। ये चीज दोस्तों रॉयल एनफील्ड वालों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो साउंड है वो और कम हो गई है E20 आने के बाद।
यानी कि दोस्तों BS6 एंड BS4 के बाइक अगर आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो जो E20 वाले जो मॉडल्स होंगे दोस्तों ये और कम साउंड निकालेंगे एज कम्पेयर टू BS4, BS3 एंड BS6 मॉडल्स। ठीक है, जनता माफ नहीं करेगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो देखिए सबसे पहली जो डिसएडवांटेज रहेगी वो रहेगी जो अभी तक तो हमें BS6 वाले जो मॉडल्स उससे पहले हमें जितने देखने को मिले, यानी कि दोस्तों जिनके ऊपर E20 वाला स्टिकर लगा हुआ है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो इंजन ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो और ज्यादा माइलेज दे सके और ज्यादा उनकी लाइफ रहे। लेकिन दोस्तों जो अब तक इंजन बनाए जा रहे थे E5 और E10 के लिए या जो BS3 BS4 वाले हैं जिनमें तो E10 E5 भी नहीं है, इन इंजन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस। अगर आप लोगों के पास अब जो नए व्हीकल आप लोग ले रहे हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद जितने भी व्हीकल आप लोग लेंगे ये तो दोस्तों सारे E20 वाले ही हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से पहले जितने भी मॉडल थे यानी कि 2021 मॉडल, 2022 मॉडल, 2020 मॉडल, 2019 मॉडल, इससे पहले के जितने भी मॉडल्स हैं ये E20 वाले नहीं हैं। तो ये दोस्तों आपकी बाइक की इन फ्यूचर जो लाइफ है वो बहुत कम कर देंगे। जैसे कि दोस्तों आपकी बाइक में अभी तो आप लोगों को एकदम से कोई ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म रिव्यू की, जैसे कि 5 साल बाद 6 साल बाद आपकी जो इंजन की लाइफ है वो दोस्तों खत्म कर देगा। एंड जो सेकंड जो हमारे को डिसएडवांटेजेस की देखने को मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों इसकी माइलेज को लेके। दोस्तों ये माइलेज भी कहां ऐसा जा रहा है कि 5 से 7% 8% तक माइलेज जो वो ड्रॉप कर दी है इसने, क्योंकि दोस्तों इसमें जो फायदा हो रहा है दोस्तों वो माइलेज को लेके नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको लॉन्च करने के सिर्फ दो ही जो मेन रीजन है वो बताए हैं। एक रीजन बताया है पॉल्यूशन को लेके कि ये पॉल्यूशन बहुत कम करेगा आपके व्हीकल्स जो भी होंगे। एंड सेकंड चीज तो बताइए वो बताइए फ्यूल कॉस्टिंग को लेके, जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है उसकी कॉस्टिंग को लेके। दोस्तों अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर E5 और E10 की रेटिंग पे दोस्तों पिछले साल 41,000 करोड़ रुपीज जो है वो सेव किए हैं दोस्तों एनुअली। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, 41,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट ने प्रॉफिट किया है। एंड E20 आने के बाद यानी कि 10 से 15% और बढ़ाने के बाद जो E20 आ गया है, अब जो गवर्नमेंट का नेक्स्ट टारगेट है वो है कि 80,000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट को सेव करने हैं E20 आने के बाद। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। तो 80,000 करोड़ दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो अपने सेव कर रही है, उसमें हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एंड कहा ऐसा जा रहा था दोस्तों बीच में जब E20 आ रहा था कि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं अब कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को बाहर से जो पैसा है वो नहीं देना पड़ रहा है, बाहर को जो पैसा वो हमारे देश में ही रह रहा है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पेट्रोल के प्राइस को, जैसे कि अभी 93-94 चल रहा है, इसके प्राइसेस को दोस्तों और कम कर देगी, यानी कि 80 तक ले आएगी जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उनको डाउन कर देगी, जब इतने हजारों करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो कम होने वाले हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो कम होने वाले हैं। साहब चंगासी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैंने पूरी पूरी कोशिश करी आप लोगों को सब चीजें बिल्कुल ही सिंपल सोवर लैंग्वेज में समझाने की। बिल्कुल मैंने कोई भी टेक्निकल वर्ड का जो यूज है दोस्तों वो नहीं किया इस वाली वीडियो में। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश की आज की वीडियो में, ताकि E20 होता क्या है एंड क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।